राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की ओर से कोरोना काल में कई जरूरतमंद लोगों की मदद की। उन्होंने 6 मई से 31 मई तक मुफ्त भोजन वितरित करने का अभियान शुरू किया, जिस बारे में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष ने अधिक जानकारी साझा की है। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस और स्टूडेंट ग्रुप फाउंडेशन की ओर से 6 मई से 31 मई तक मुफ्त भोजन वितरण कार्य किया जा रहा था, जिस बारे में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी ने अधिक जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते इतने दिनों से जो उन्होंने भोजन वितरण किया उसमें उनका अनुभव क्या था। हमने स्टूडेंट फूड फाउंडेशन के माध्यम से 6/5/2021 से 31/5/2021 तक हमने जो स्टूडेंट फूड फाउंडेशन के माध्यम से मुफ्त भोजन का स्टार्ट किए थे, वो आज उसका आखिरी दिन है। और हमने आज रोटी, सब्जी, मसाला भात और हलवा बांट रहे हैं। और उसके पहले हमने रोज़ हमने कभी रोटी सब्जी, कभी पूड़ी सब्जी, कभी दाल चावल ऐसा बांटे हैं। सुबह हैवी नाश्ता, उसके बाद शाम में रोटी सब्जी, कभी दाल चावल ऐसा बांटे है। इस दौरान विश्वजीत तिवारी की मां वंदना तिवारी ने भी अपना मनोगत व्यक्त किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें यह कार्य करने में खुशी मिली और हमें सभी का सहकार्य भी मिला। बहुत खुशी हो रही भैया, मुझे ये बच्चे ने मेरा पहल किया और उसके साथियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने ये जो गरीबों की मदद का जिम्मा उठाया और उसमें उसको बहुत सफलता मिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस द्वारा किया गया ये कार्य सच में सराहनीय है, जिससे कई जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC News, नागपुर।